नमस्कार। हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार है हर शनिवार अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगता है, जहां पर हरियाणा भर से ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी लोग अपनी फरियाद लेकर, हरियाणा से संबंधित फरियाद लेकर यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस जनता दरबार में अनिल विज जो है लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं, तुरंत प्रभाव से आदेश जो है अधिकारियों को दिए जाते हैं और उनको अमल में भी अधिकारी जो है लाते हैं उन आदेशों को। और इस जनता दरबार से जुड़ी हुई खबर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो फरियादी है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये जो है खबर निराशाजनक जरूर है। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का अनिल विज का जो जनता दरबार है वो फिलहाल अगले आदेशों तक टाल दिया गया है। क्यों टाल दिया गया है वो भी हम आपको बता दें, दिखाना चाहेंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ऑफिस से ये प्रेस नोट जारी हुआ है और इसमें लिखा गया है, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार है वो स्थगित किया जा रहा है। आज 23 दिसंबर है और ये प्रेस नोट जो है वो जारी हुआ है। वहां से हरियाणा की गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जो शनिवार अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगने वाला जनता दरबार है, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं, देश भर में फिलहाल एक बार कोरोना महामारी फिर से जो है वो पनपने लगी है, और बढ़ती हुई कोरोना महामारी के चलते गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा यानी अनिल विज का जो जनता दरबार है, गब्बर का जो जनता दरबार है, वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगामी आदेशों तक जो है ये स्थगित कर दिया गया है। ये तस्वीरें और ये खबर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रेस नोट जो है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज के ऑफिस से रिलीज किया गया है, चंडीगढ़ कार्यालय से ये प्रेस नोट जारी किया गया है, और इसमें साफ तौर पर कहा है, बढ़ती हुई कोरोना महामारी के चलते आगामी आदेशों तक गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार है वो आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। कहीं ना कहीं मायूसी भरी उन लोगों के लिए खबर है जो लोग अपनी समस्याएं लेकर अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचते थे और फरियादी उम्मीद रखते हैं अनिल विज के जनता दरबार से कि यहाँ पर उनको पहुंचने पर न्याय मिलेगा और यहाँ आने के बाद उनके हर उस शिकायत पर कार्रवाई होगी जो लंबित चल रही है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अनिल विज सुनता है। हालांकि कई बार हरियाणा में अनिल विज छापेमारी अलग अलग जगह करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब टाली जाएगी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये खबर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार है वो फिलहाल आगामी आदेशों तक जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी एक बार फिर से पनपने लगी है और उसको देखते हुए फिलहाल जो है ये जनता दरबार टाल दिया गया है। फिलहाल जनता दरबार जो है अनिल विज का नहीं लगेगा, आगामी आदेशों तक ये जनता दरबार रद्द रहेगा। कहीं ना कहीं मायूसी भरी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी शिकायत लेकर, फरियाद लेकर अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचते थे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।